Hey guys, welcome back to the new episode. I hope you all are doing good. And guys, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आगे ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. तो फिलहाल मैं यहाँ पर डिनर की प्रेपरेशन कर रही थी. तो आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा, हम शिमला गए थे, तो मैं वहाँ से हम लेकर आए थे आलू, सॉरी मेथी लेकर आए थे. तो मैं आज आलू मेथी बनाने वाली हूँ. तो बस मैं इसको यहाँ पर चॉप कर रही थी, मैंने इसको वॉश कर लिया था. तो आज बनेगा खाने में आलू मेथी, बहुत टेस्टी बनती है. आपको पसंद है ये सब्ज़ी? मुझे तो पसंद है. वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है. मैं मतलब नॉन वेज की बात नहीं कर रही हूँ, वेज की बात कर रही हूँ. बस मुझे अगर खाने में कुछ पसंद नहीं है तो वो है दाल, मतलब मलका की दाल मुझे अच्छी नहीं लगती है. और तो मैं सब कुछ खा लेती हूँ और ये बहुत टेस्टी बनती है. मैं फटाफट से चॉप कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बना लूँगी, क्योंकि वो लोग तो अभी तक आए ही नहीं शॉप से. गाइस ये देखो, आलू मेथी की सब्ज़ी मैंने बना दी है. गाइस मैंने अभी टेस्ट करा, बहुत यमी बनी है, बहुत टेस्टी. गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हो गई थी नहा के फारिक और यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए ही बैठी थी. अब धूप भी जल्दी आ जाती है क्योंकि गर्मी हो गई है, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ. तो आज मेरे ब्रेकफास्ट में है आलू का पराठा और चटनी, ये देखो यहाँ पर. तो मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, भूख लग रही है. नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता भाई के लिए. ये तो बड़ी है, अरे बड़ी बन गई, मैं बच्ची लगी है, ये तो बड़ी है. कुछ भी मतलब कुछ भी सी है. नो गाइस, अब बहुत गर्मी हो गई है और यहाँ देखो नदी, अब इसमें नहाने जाना पड़ेगा. लास्ट लास्ट ईयर हम यहाँ गए थे नहाने के लिए. ये सफाई मैंने करी है अकेले यहाँ पर, समझे? बोल कॉम्प्रो हो गया है गाइस, दीदी की लड़ाई हो गई है किसी के साथ, पर कॉम्प्रो नहीं हुआ है और मैं करूँगी भी नहीं. मैं अपनी जुबान की पक्की हूँ. शाबाश. मेरे में बहुत ईगो भरा हुआ है, इसलिए मैं कॉम्प्रो नहीं करूँगी. मेरे में है अहम इदम और अहम इदम, मेरे में अहम की भावना है और मैं कॉम्प्रो नहीं करूँगी. सुन ले, मान खोल कर, मैं भी ये चाहती तुम भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे. मैं तुमसे कॉम्प्रो नहीं करूँगी, तो करना पड़ेगा. हाँ मैं नहीं करूँगी. गाइज मैं आई हूँ शॉप और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मेरी असलियत अब आपके सामने आने वाली है और आ भी रही है. ये देखो मेरे बाल, अभी मैंने हेड वॉश करा और ये देखो, क्योंकि मेरी स्मूथनिंग खत्म हो गई है और मैं बन गई और कैमरा वो मैं नाच दीदी है इसलिए ये सब कर रही है. ये देखो गाइज, और मैंने लास्ट वॉक में बोला था एक मिनट जरा आप थोड़ा पीछे होंगे, बस 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 बस, बस. तो मैंने बोला था कि मैं अपने बाल काटूं या ना काटूं, तो ये देखो मैं सोच रही हूँ काट लूं अपने बाल या फिर कलर करवा लेती हूँ कि थोड़ा न्यू लुक आएगा. और वैसे भी बाल देखो खराब तो हो गया, खराब मतलब न्यू ग्रोथ आ गई है. मैं एक रोबोट हूँ, मैं मालिक का आदेश मानूंगा. तो आप मुझे बताना मैं क्या करूँ. कलर तो मेरे दिमाग में सारी चीजें फिक्स हो चुकी है, मैं कटवाऊंगी साथ में और मैं अब तेरा कला काटने वाला हूँ. इसको कुछ हो गया है गाइस, मेरा नाम आ गई है, मेरा नाम पिरोकी है. क्या पिरोकी? मैं एक रोबोट हूँ. रोबोट मैं अच्छा? आगे बढ़ रहा अभी क्या बोलना था, मैं खुद बोली, क्या बोली थी मैं? तू बोल रही थी कि मेरा गर्दन काट दो. नहीं ये मैंने नहीं बोला है. ठीक है चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ. मैं मालिक का आदेश का पालन करता हूँ. हाँ थोड़ा अपना मुंह भी बंद कर लो. तो मैं बोल रही थी कि दीदी को क्या है कि कभी कभी जूली भी आती है और एक दिन मैं आपको वो जूली जरूर दिखाऊंगी. बहुत मजे आती है गाइज जब दीदी को जूली आती है, जैसी राखी सावंत को बिग बॉस में जूली नहीं आती थी उस टाइप की जूली, तब से ही आती है दीदी को भी जूली. गाइज मम्मा ने लाया है पपीता और ये अभी कट करने वाले, फिर हम लोग खाते हैं. करो दीदी के मुंह में पानी आ रहा है, दीदी की नजर ना पपीते के ऊपर है, कब से बोल रही है अरे जल्दी काटो जल्दी काटो. दीदी को भूख लग गई है, देखो देखो नजरें घुमा ली दीदी ने. ये दीदी कौवा बन गई है, देखो आवाज भी निकल रही है कौवे की. मम्मी ने क्या बोला मेरे को, कौवे थोड़ा दूर रहे. Oh, God. Oh, God.
थैंक यू। इसके लिए कहाँ है वो? कहाँ गया? कहाँ है? बुरी नजर, नजर लगाने वाले कम थोड़ी है। पड़ी किसी की नजर तो लग जाती है, क्या बोलना। मेथी की सब्जी इतनी टेस्टी बनी थी ना, बट दीदी नहीं खा पाई। अब दीदी लंच में खाएगी और उसके बाद तो भाई क्या हुआ? क्या हुआ? उसके बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पेट दर्द हुआ, पर मुझे ये समझ नहीं आया कि वो मेथी की वजह से हुआ कि मैंने चीकू खाए थे उसकी वजह से। मतलब क्या हुआ ना? नहीं नहीं, मतलब मुझे पेट दर्द हुआ ना फिर मैंने नहीं, दीदी ने मेरे मुझे नजर लगाई, इसलिए गाइस ऐसा हुआ शायद, बट पता नहीं क्या हुआ। जो भी हुआ, मजाक कर रहे थे वैसे भी। तो गाइस मुझे रील बनानी थी और मुझे ये वाला झुमका पहनना था, और मैंने काफी टाइम से ना मतलब कानों में कुछ पहना नहीं है, और मुझे लग नहीं रहा कि अब जाएगा। अभी मैं ट्राई भी कर रही थी, और ये देखो ये कितना इसका मोटा है अभी से। रेखा डाल दिया मैंने। तू तो तेज है लड़की बहुत, तूने अचार नहीं लिया है? डाल ही दिया गाइस मैंने, मेरे कान बंद नहीं हो सकते। ये रहा मेरा झुमका। गाइस मैं यहाँ पर चुपचाप से लेटी हूँ, और दीदी आगे मुझे बहुत परेशान करती है, हर बार परेशान करती है गाइस, हर बार। यहाँ देखो इसमें एक फूल आ गया है, बट ये अभी अच्छे से खिला नहीं है, और इसमें भी फूल आ गए हैं। देखो मैंने यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगाए थे ना, सब टिक गए हैं। कुछ वहाँ भी रखे हैं, तो मतलब सब टिक गए हैं, कोई भी खराब नहीं हुआ है। ये देखो अच्छे लग रहे हैं ना। तो गाइस किसी का चश्मा यहाँ पर भूल गया है, किसी बच्चे का, पता नहीं किसका होगा बेचारा। बच्चों वाला चश्मा है, कब भूला? आज भूला? दो तीन दिन हो गए, पता नहीं किसका होगा बेचारा। यहाँ रख देती हूँ। तो क्या बता? तो गाइस एक बात बतानी थी बस, बट तो गाइस एक बात बतानी थी पर वो बात बताने लायक ही नहीं है। मुझे खुद भी बहुत हंसी आ रही है, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। चलो छोड़ो, तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय बाय एंड टेक केयर।